नमस्कार बा, मीडिया मित्र जे भी बा, सभी लोग के चर्चा आप सबके आशीर्वाद बा, आप सबके प्यार बा कि भाई के लोग जाने लागल चिन्हे लागल कम बात बा। अभी पीछे एक फिल्म आपकी आई बहुत चना चोर गरम, उसके बाद अभी नई फिल्म में जी और जी जी तो क्या कहेंगे। चना जोर गरम तो अभी पूरे धमाल मचौले भी, अब फिल्म आशा ना रहे हमारे के इतना चली, बाकी जनता के प्यार आप सब इतना पब्लिसिटी वगैरह कहीं नहीं, बहुत ही उस हम खुश बानी कि हमारे फिल्म आप सबको पसंद आई। तीसरा सप्ताह चला था, 6 तारीख मुंबई में हमारा रिलीज भाई बजाऊ, काफ़ी भीड़ होता। छोटे भाई दुर्गेश तिवारी जी चॉकलेटी स्टार है, ये भी इस फिल्म मुन्ना मवाली जो हम फिल्म कर रहे हैं हम लोग, इसमें भी इनका पात्र है, कैरेक्टर ये भी कर रहे हैं। किस तरह की फिल्म है मुन्ना मवाली, इसमें क्या मुन्ना मवाली इसमें देखिए इस टाइटल ही इसका मवाली है, स्टोरी अच्छा है। डायरेक्टर रवि सिन्हा जी है, प्रोड्यूसर पप्पू पांडे जी। ये फिल्म नहीं होता है कि रोड छाप मजनू या मवाली आदमी नहीं होता है कि किसी का भला रुपया लेके काम करना, वसूली करना, वही टाइप का कैरेक्टर है मेरा। दो चार दोस्त, 5 दोस्त रहते हैं हम लोग, किसी का पैसा लेकर काम करते हैं। न्यूज़ में आया है लोग आपको खेसारी की तुलना करने लगे। अरे ना ना ना, चलिए भोजपुरी में कितनी फिल्में हैं इसके बाद आपके पास। भैया 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 देखिए, सब कोई अपना का स्टार बा, अभी भाई स्टार नहीं है, बस प्यार दुलार आप सबके चाहिए, अगर आशीर्वाद मिले तो स्टार बनो हम। हाँ अरे नेहा श्री जी के साथ तो फिल्म, हालांकि सनाजोर में हिट रहा, फिर पूनम दुबे जी और अंजना सिंह जी के साथ फिल्म करते हैं मुन्ना मवाली, और दो तीन फिल्म मेरी अभी रिलीज पाई केहू बा दीवाना नैहर में जो लगने वाला है थिएटर में। तो इसमें आपका कैरेक्टर जो है वो चॉकलेटी है या रोमांटिक है या भाईगिरी है, क्या है कुछ बोलिए ओपन करिए। भाईगिरी है, नहीं होता है कि दादागिरी, किसी दो ग्रुप में मिलकर हम लोग काम करते हैं, एक आज खान के ग्रुप है, हम लोग मिलकर काम करते हैं, पैसा लेकर काम करते हैं, किसी को टपकाना होता है टपका डालते हैं, किसी से ज़मीन पर कब्जा करना होता है ज़मीन पर कब्जा करते हैं, पैसा लेकर करते हैं। कुछ पुराने स्टार देख रहा हूँ मैं बाहर, तो उनके साथ काम करें कैसा आनंद मिलता है? अरे बहुत अच्छा लगता है, पुराने स्टार लोग के साथ काम करने में देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अब बहुत ही अच्छे उन लोग का व्यवहार लगता है, बहुत कुछ वो लोग बताते हैं। आइए कुछ दुर्गेश जी से क्या कहेंगे आप, इस फिल्म में आपकी एंट्री हो रही है तो? सबसे पहले हम भोजपुरी श्रोता समाज के पैर छू के प्रणाम करते नहीं, और हम बतावल चाहम कि ये भोजपुरी में फिल्म में जो भी हमारे एंट्री भइल बा पहला बार, सारा श्रेय अपन हम भोजपुरी स्टार सुपरस्टार प्रमोद प्रेमी भैया जी के, हम इनका का अपन गुरु मानिला, और जो कुछ भी हम स्टेज पर भी गाइल या कुछ भी सीखिला सब भैया के कृपा बा, और इन्हें के वजह से आज हम ईजा बानी। तो सही बोल रहा है, भाई छोटा है, बहुत प्यारा है, चॉकलेटी स्टार इसको हम लोग कहते हैं। मानते हैं आप सुपरस्टार हो गए हो? अरे नहीं, हम नहीं मानते, लोग मानते, लोग कहता, हम नहीं मानते भैया खुद से। क्या देखने को मिलेगा इसमें, ऐसे सिंगर रहोगे कि एक्टिंग में? दोस्त है मेरा, दोस्त भैया के, दोस्त के कैरेक्टर में हम इसमें दिखेंगे, और कभी कभी गाने का भी ट्यून रहेगा, ऐसे तो मूवी में मेरा बहुत सारा शॉट बाकी रह गया जो अगले शेड्यूल में होगा, हम लोग जो 10 मई से होने वाला ना भैया, उसमें हम आएंगे, और भैया के साथ में से करेक्टर रहेगा, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद चाहिए। फिल्म में काम करेगा बच्चा। प्रमोद जी आपसे क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री में आप किसको अपना प्रिय मानते हैं, इंडस्ट्री में जहाँ पे लोग एक दूसरे के बहुत खिलाफ हैं? हम देखिए, हम दिनेश लाल जी को बहुत मानते हैं, उनको बहुत मानते हैं, उनसे कुछ उनका ही हम फिल्म देखते हैं। तो कोई फिल्म अगर साथ में करने को मिले? अरे का है ना, भाग्य है हमारा कि जो उनके साथ मौका हमको मिल जाए, भाई दिनेश जी के साथ, उनका बहुत बड़े हम फैन हैं, उनका सब चीज़ अच्छा लगता है हमको। सुना है कि आप सिंगर भी हैं? हाँ, भोजपुरी के सिंगर हैं, क्यों नहीं मेरे भाई, भोजपुरी के हम तो सिंगर लाइन से होके ना यहाँ पहुँचल हैं, तो भोजपुरी में बहुत सारा गाना हम गौले हैं जो अच्छा अच्छा रहल बा, कहिएगा तो एक सुना देंगे गाना। एक सुना दीजिए भैया। एक आप भी सुनाइएगा। हाँ हाँ एकदम, हाँ भैया सुना दे। गाए हम गीत गाए हैं, देखिए। हर किसैया के साथे पहिले ही राते, अर नैहर के गलती धराइल बा, सखी से जिया प उठल दरद हो, मरद खिसियाइल बा,
एक जो गाना गए इसके एक दिन में 25 लाख व्यूअर था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स गाना मेरा। एल्बम का नाम जयमाल वाला सड़िया। हाँ भैया, अरे बहुत सारा तो है, 5 दिन में ना, 6 दिन में मेरा कम से कम 6 मिलियन 60 लाख उसका गया था। एकदम सुनाना चाहेंगे प्रमोद प्रेमी भैया का, इस सप्ताह में गाना रिलीज हुआ था जयमाल वाला सड़िया, जो कि दर्शकों ने बहुत पसंद किया और काफ़ी वो सुनने लायक गाना है, पारिवारिक सॉन्ग है और भैया मेरे वर्गा नहीं कहते, तो उस गाने को हम 2 शब्द आप लोगों को सुनाना चाहते हैं। जयमाल वाला सड़िया। अरे नैहर के दीहल रहे निशानी, भइल न रहे चौठरिया, जयमाल वाला सड़िया। नैहर के दीहल रहे निशानी, भइल न रहे चौठरिया, अनास दीहले सैया हो, जयमाल वाला सड़िया। बहुत अच्छा गाता है। एक्ट्रेस में आपकी कौन पसंदीदा है, जैसे कि आप किसी के साथ काम करना चाहें, दिनेश लाल जी के साथ आपने कर लिया, तो एक्ट्रेस में भोजपुरी में कौन? एक्ट्रेस देखिए हमरा सबसे अच्छा तो मान ली कि हम जेकरा जोड़े कहले बने सब कोई अच्छे बाकी रानी चटर्जी जी के ज्यादा तो नहीं मान लो, अच्छा बेचारे व्यवहार विचार सब अच्छा है उनका। रानी जी के साथ काम करना चाहेंगे? हाँ ना, काहे ना काहे ना, अच्छा आदमी है। हाँ सुपर स्टार है, बहुत अच्छी आदमी, अच्छे इंसान है, अच्छे उनका नेचर है किसी के प्रति। क्या कहना चाहेंगे भोजपुरी बात? चलते चलते मैं भोजपुरी बात, भोजपुरी बातें बातें भाई लोग से कहेंगे कि आई भोजपुरी बातें, कि जितने भी आप सब हम लोग का कोई भी इंटरव्यू हो या गाना हो, आप लोग इन पर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और इसी तरह आप लोग हमसे इंटरव्यू सुनते रहिए। और रहा बात भोजपुरी टीम के, भोजपुरी दबंग भोजपुरी बातें को आप लोग कभी सुनना ना भूले और देखना ना भूले। और भैया लोग प्लीज जो सब्सक्राइब नहीं किए कहले कर सब्सक्राइब करें, चैनल के आगे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ाएं और कुछ ना, धन्यवाद। थैंक यू। जानना चाहेंगे आज क्या चल रहा है यहाँ पर मड में? शूटिंग चल रही है मड में। फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे? फिल्म का नाम है मुन्ना मवाली, उसी की शूट चल रही है। आपके किरदार के बारे में? मेरा किरदार इस फिल्म में एक गांव की लड़की का है। जैसे कि प्रमोद प्रेमी जी के बारे में कुछ बताइए, उनकी फिल्म है जिसमें मेन लीड कर रहे हैं और आपका किरदार? प्रमोद प्रेमी जी के बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, वो एक अच्छे सिंगर हैं और उनकी ये फिल्म आ रही है हम लोगों के साथ में, तो उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। ये इस फिल्म के बारे में डायरेक्टर और आपकी टीम जो भी काम कर रही है इसके बारे में? हाँ, इस फिल्म की जो टीम है वो है रवि सिन्हा जी डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और पप्पू पांडे जी प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, जहांगीर जी DOP हैं इस फिल्म में। मेरी आने वाली फिल्म में इसके अलावा हैं नागराज है और खुददार है, खुद और गिरफ्तार है और लव एक्सप्रेस है, काफ़ी सारी फिल्में हैं। अभी अयास पांडे के साथ क्या चल रहा था? सीन चल रही थी, मुझे किडनैप करके यहाँ पे लेके आए। थैंक यू। तो मैं आपका अयास खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे इस समय मुन्ना मवाली के सेट पे और हम लोग शूटिंग कर रहे हैं मड के जो है व्हाइट हाउस लोकेशन पे, और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और आज हम लोग जो है फिल्म का जो है एक छोटा सा एक्शन पोर्शन कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। फिल्म के जो है डायरेक्टर इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं पप्पू यादव जी हैं और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं रवि सिन्हा जी हैं, और रवि सिन्हा जी के साथ मेरी ये 4थी फिल्म है। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत हंसमुख इंसान हैं और बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, बहुत आर्टिस्टों से घुले मिले रहते हैं, बहुत क्लोज रहते हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो एक डायरेक्टर है, बिल्कुल एक फ्रेंडली नेचर है उनका, बहुत घुल मिल के काम करते हैं, बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि हर फिल्म में कुछ ना कुछ एक नया करूँ, अलग करूँ, अलग लुक हो, और बहुत कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा है, कोशिश है करने का और मैंने किया है। और इस फिल्म में जो है थोड़ा सा एक मावाली टाइप का कैरेक्टर है, एक मुन्ना मावाली है फिल्म का जो नाम है, तो इस फिल्म के जो है एक मावाली हीरो है, एक मावाली मैं हूँ, जो दोनों का अपना अलग अलग रूप है, अलग अलग अंदाज़ है एक्टिंग करने का,
और बहुत अच्छा लग रहा है इस फिल्म को करके, बहुत मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। प्रमोद जी को मेरी ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं वो, और अच्छा लग रहा है कि जो है एक नया एक्टर जो है इंडस्ट्री में आए हैं और उनकी फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छी बात है कि दर्शक उनको जो है चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। मेरी दुआ, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वैसे ही अच्छा काम करते रहें। ये बताया कि ये प्रोजेक्ट जो है मुन्ना मवाली, इसकी जो है आज तीसरे दिन का शूटिंग है और हम लोग मढ़ में ही शूट कर रहे हैं, मुंबई में। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छे अच्छे लोकेशंस है, आप लोगों ने खुद देखा होगा, और फिल्म में रोल भी कमाल का है, आप लोग देख रहे हैं, रफ टफ एम मवाली, ए भाई क्या रे, अच्छा रोल है। और पाइपलाइन में भी जो है मैं एक वॉर फिल्म कर रहा हूँ, जो राउडी राजा कर रहा हूँ, एक फिल्म आशिकी वो कर रहा हूँ, एक बी पवन जी के साथ कर रहा हूँ, मैंने उनको सजन चुन लिया वो कर रहा हूँ, तो काफ़ी फिल्में हैं आप लोगों की दुआ से। और अभी वांटेड रिलीज होने को तैयार है, रेडी है, अभी उसका जो है डबिंग लास्ट प्रोसेसिंग पे है, आई थिंक इस मंथ के लास्ट में वो फिल्म जो है आपके जो है नज़दीकी सिनेमाघरों में आ जाएगी। तो आप लोग से दुआ है कि वांटेड को देखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और ऐसे ही अयाज खान के लिए प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए आप लोग। इतने फिल्मों में कॉमेडियन का किरदार निभाया, विलन का किरदार कितना चुनौतीपूर्ण है, और क्या कहना चाहेंगे कि ये जो बदलाव है एक कैसे दर्शक उसको? सर बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि मेरी इमेज एक कॉमेडियन की है, और ऐसा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, इंडिया में जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री हैं, जहाँ जहाँ भी, आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी कॉमेडियन को विलन के रूप में दर्शकों ने एक्सेप्ट नहीं किया। विलन कॉमेडियन बना है, कभी कोई कॉमेडियन आज तक ही वो विलन नहीं बना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भोजपुरी में मुझको दर्शकों ने जितना प्यार एज ए कॉमेडियन दिया, उतना ही प्यार एज ए विलन भी दे रहे हैं। तो चैलेंजिंग तो है भाई, कि एक बार आप हंसाते हैं, दूसरी बार आप एक क्रूर किरदार में आते हैं, तो दर्शकों को आपको डराना भी है, बहुत चैलेंजिंग है। तो क्या कहेंगे, वैसे तो कॉमेडियन के अलावा जो भावनात्मक रोल है वो भी बहुत बेखबी प्ले करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इतना सारा जो प्रारूप है अभिनेता के तौर पर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से तैयार करते हैं आपको कोई कैरेक्टर को? सर करेक्टर की तैयारी तो मैं जो है पहले स्क्रिप्ट सुनता हूँ, हमारे डायरेक्टर हमारे राइटर हमको सुनाते हैं, फिर थोड़ा वक्त तो लगता है उसमें ढलने में, थोड़ी तैयारी करते हैं हम उसकी, अलग अलग किरदार पकड़ते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं लाउड नहीं रहूँ, ज़्यादा अंडर प्ले करूँ, तो वो तो है, जैसे सांप अपना केचुल छोड़ता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, वैसे मनोज टाइगर से उस किरदार में जाना जो करने वाला हूँ, तकलीफ़ तो होती है, इसकी पूरी तैयारी करता हूँ मैं। तो मान लीजिए अभी आप विलन का कर रहे हैं, फिर आगे चलकर आप कॉमेडियन का, किस तरह से उस चीज़ को बैलेंस करेंगे, या फिर एक ही इमेज में आप चाहते हैं कि आप? नहीं नहीं, अपील करें आपको? नहीं सर, देखिए इमेज चेंज करते रहना, यहाँ कभी कभी तो ऐसा होता है कि आज यहाँ कॉमेडी किया और कल वहाँ जाके विलन कर रहा हूँ, तो वो दिमाग से, वो कलाकार इसीलिए तो कलाकार होता है, उसी थिएटर की देन है, जो रंगमंच किया 15-20 साल उसी थिएटर का देन है, कि हम कभी भी स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाते हैं, बस एक बार आंख बंद किया, स्क्रिप्ट पढ़ा और मन में फील किया, आ गए किरदार में। और इस फिल्म के अलावा कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं? इसके अलावा मेरी एक बहुत बेहतरीन फिल्म है बतासा चाचा, लागल रहा बतासा चाचा, जिसमें मैं हीरो हूँ, अमरपाली हीरोइन है, मेरे छोटे भाई हैं आलोक सिंह उसके डायरेक्टर हैं, और संजीव कुशवाहा जी उसके प्रोड्यूसर हैं, और महेश पांडे और बालाजी का एक वेब सीरीज है वर्दी वाला गुंडा, वो करने वाला हूँ। इसके अलावा बॉर्डर आने वाली है हमारी, एक फिल्म हमारी और रिलीज होने पर है, बिल्कुल तैयार है रिलीज होने पर, कि दुल्हन गंगा पार के मोहब्बत जिंदाबाद, और एक फिल्म है गबरू, इस तरह से तमाम फिल्में हैं जो रिलीज होने वाली हैं। एक पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि क्या विषय है इस फिल्म का और किस तरह किरदार निभाने इस फिल्म में? देखिए आम कहानी है, आम इंसान की कहानी है ये, और इस फिल्म में एक मैं विलेन के साथ में मानिकचंद का किरदार निभा रहा हूँ, और इस फिल्म में मुन्ना मवाली फिल्म का जो टाइटल है, इसमें मुन्ना मवाली टाइटल रोल कर रहे हैं मिस्टर प्रमोद प्रेमी जी, की बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं,
अभी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, आपने सुना होगा कि बाकी ट्रेंड से हट करके उनका जो काम चल रहा है बहुत अच्छा प्रशंसनीय काम चल रहा है, इसमें भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो ये कहानी मैं पूरा तो आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता प्रोफेशनल कारणों की वजह से, परंतु इसमें क्या है कि जो कहानी ये है कि कहानी एक पूरी मसाले वाली कहानी है, इसमें किडनैपिंग है, अटेम्प्ट टू मर्डर है और क्राइम है, स्मगलिंग है, गोल्ड की स्मगलिंग है, पैसे का है, डॉन है, पुलिस है और इसमें मतलब मक्कार लोग हैं, मारवाड़ी हैं, सब तमाम जो फंडिंग करने वाले हैं और हीरो है, पॉजिटिव रोल, नाच गाने से भरपूर हर चीज़ है इसमें। और काफ़ी बड़े पैमाने पर शूट हो रहा है ये जो लोकेशन है, इसके क्या जाएंगे कि लोकेशन काफ़ी बड़े पैमाने पर शूट हो रहा है? ये लोकेशन आप देखिए, आप समझ सकते हैं फिल्म का ग्रैंडियर क्या है और फिल्म की बजट क्या होगी, मैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं तो आपको नहीं बता सकता हूँ, परंतु ये जिस व्हाइट हाउस जहाँ पे हम कर रहे हैं इसका ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्रैंडियर है और इस फिल्म इस लोकेशन है, लोकेशन में बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है यहाँ पर और बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो ये फिल्म हो रही तो अपने आप में इसका एक बड़प्पन है और फिल्म का अपने आप ही इसका हाइप बहुत अपग्रेड हो जाता है, ये आप समझ सकते हैं इस बात को। तो जो भी किरदार निभाते हैं तो उसको जीवन करने के लिए क्या प्रयास करते हैं, क्या करते हैं अपनी तरफ से आप? सबसे पहली बात है कि जो किरदार निभाने की बात आपने कहा कि मैं इस फिल्म का कोई भी हमें स्क्रिप्ट दिया जाती है तो उसको स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ, मैं अपने किरदार को समझता हूँ, उस करेक्टर में जाता हूँ, मैं उसको महसूस करता हूँ कि करेक्टर एक्चुअली होगा तो कैसा होगा, फिर बाद में जो को आर्टिस्ट साथ में रहते हैं उनके साथ काम करता हूँ और हमारे सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे मनोज टाइगर जी जो इसमें नॉर्मली उनको एक कॉमेडी आर्टिस्ट के हिसाब से उनके लोग जानते हैं कई फिल्मों में, इनका बहुत बड़ा अच्छा है, उन्होंने बिल्कुल सीरियस और मेन विलन का किरदार निभाया, उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव एक्टर हैं और हमको हमेशा उन्होंने कभी गाइड किया हमें सर, टाइम टाइम पे उन्होंने एक मार्गदर्शन देते रहते हैं, एक्टिंग के मामले में उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल बच्चा हूँ मैं, और वो लोग करते हैं, बाकी तमाम नीरज यादव जी हैं साथ में हमारे, बहुत मजे हुए कलाकार हैं, उनका भी नाम एक फिल्म जगत में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक नाम चमक रहा है, तो ये सब चीज़ें, पप्पू पांडे जी की जो फिल्म है, पप्पू पांडे जी भी इस फिल्म बहुत सारे इनका एक्सपीरियंस है, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने बनाया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, आज भी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो इनका जो मजा हुआ जो निर्णय होता है, प्रोफेशनल डिसीजन होता है, इस फिल्म को डेफिनेटली बहुत आगे ले जाएगा और सोने में सुहागा क्या है कि रवि सिन्हा जी का जो डायरेक्शन है बिल्कुल मजे हुए कल, इनको बहुत ज़्यादा रिटेक की जरूरत नहीं पड़ती है, इनके दो शॉट में सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, ये फिल्म को आप देख रहे हैं आपके सामने शूटिंग हो रही है, तो ये बहुत अच्छा ये फिल्म ये एक नाम करेगी और पब्लिक से गुजारिश मेरी यही होगी कि आप इस पूरे फिल्म को पूरे परिवार के साथ देखें ताकि फिल्म बनाने को मजा आए और आपको मजा आए। संजय पटियाला जी हमारे मित्र हैं, मजाक करते रहते हैं, सोने का हार आप समझ सकते हैं कि सोने का हार अगर लूटने वाला हो तो सोने का हार कैसा होगा जी, ये इमिटेशन ज्वेलरी है, जिस भाई वो हमारी फिल्मी पत्नी है और फिल्मी पत्नी के लिए जिस नकली फिल्मी पैसे भी हमने दे दिए, 1 करोड़ रुपए दे दिए हैं और रुपए प्रोड्यूसर के खाते में पहुंच भी गए हैं, तो टेंशन मत लीजिए उसका। अब ये है कि हमें खतरा हमारे रघु भाई से खतरा, हमारे बगल में जो मनोज टाइगर जी बैठे हुए हैं हमारे सबसे बड़े गुंडे, तो वो हैं जो कि पूरे फिल्म में, मैं तो सिर्फ फंडर हूँ मैं, तो ये मनोज जी पैसे हमारे पास आ जाएंगे तो आपको कुछ शेयर जरूर दे देंगे, चिंता मत करिए। संजय जी ये इस फिल्म के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, खासतौर से मैं पप्पू पांडे जी को एक शुभकामना देना चाहता हूं मैं, और हमारे बीच में एक मनोज ओझा जी हमारे बहुत पुराने और मजे हुए एक निर्माता निर्देशक हैं, ये हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि हमारी फिल्म के लिए हम लोगों के लिए शुभकामना देने के लिए साथ में बैठे हैं और हम ये चाहेंगे कि उनकी शुभकामनाएँ साथ में रहें और हमें समय समय पर मार्गदर्शन देते रहें, हमारी फिल्म हमारी जो है बिल्कुल दर्शकों के दिलों पर राज करे बॉक्स ऑफिस के अलावा। थैंक यू। वो फिल्म सेंसर बोर्ड ने किसी वजह से रोक दी है, वो फिर वापस हम उसको ट्राई कर रहे हैं, पहला जी चले गए हैं, अभी दूसरे से भी सेंसर बोर्ड आ गया, थोड़ा उसमें तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आपसे मदद लेंगे हम, चिंता मत करिए, और हम उस पर फिल्म को जरूर हम सेंसर उसे रिलीज़ कराएंगे किसी तरह से, उसमें हमारे को आर्टिस्ट संजय पटियाला जी रहेंगे साथ में। जी सर, एक सवाल और है जी कि संजय भूषण जी ये क्या बोलते हैं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार है और ये पीआर उनके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? संजय जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, रीज़न क्या है एक बात बताओ, मैं आपने बहुत प्रश्न किया कि एक बार सूरज के आगे क्या बोल सकते हैं, सूरज का उजाला कितना होता है कौन बता सकता है, तो ये सूरज है फिल्म इंडस्ट्री के, ये सबको रास्ता दिखाते हैं, मीडिया जो होती है मीडिया किसको बना देती है किसको बिगाड़ देती है, तो संजय जी फिल्म यहाँ पे इनका ही नाम आता है संजय भूषण पटियाला का। संजय जी ने एक अपना एक इस फिल्म इंडस्ट्री में मोस्टली पर्टिकुलर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने जो मुकाम स्थापित किया है आज तक कोई नहीं कर पाया। एक संस्कृत में कहावत है, न भूतो न भविष्यति, मैं भविष्य के बारे में तो नहीं जानता हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि जो इनका जो काम करने का ढंग है, जो प्रणाली जो सिस्टम है,
कि जो एक न्यूज़ आया, जो रिकॉर्ड किया, जो उन्होंने जो वीडियो शूट किया या फिर फिल्म शूट किया, आपके सोचने समझने तक वो सारी चीज़ें पूरे मीडिया में छा जाती हैं। आपकी फिल्म की पब्लिसिटी जिस ढंग से, जिस दिलो जान लगा कर करते हैं, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, हमेशा ऐसे करते रहेंगे। और एक और बात है कि एक फिल्म इंडस्ट्री का एक नया फंडा यह है कि जिस फिल्म के PR संजय पटियाला जी हो गए, वो फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये फिल्म मुन्ना मवाली सुपरहिट मुन्ना मवाली होगी और हम इसका प्रीक्वल सीक्वल सब बनाएंगे हम आपके, और आपके सामने आप ही हमें हमारे इंटरव्यू करने के लिए आएंगे, और संजय पटियाला जी भी रहेंगे हमारे सेम क्रू के साथ में, सेम आर्टिस्ट के साथ में। और ये लोकेशन आप देख रहे हैं, लोकेशन कितना भव्य लोकेशन है, कितना खूबसूरत है। इस लोकेशन से भी बड़े लोकेशन पे हम शूट करेंगे, हो सकता है शायद हम फॉरेन में जाके करें। पप्पू पांडे जी के साथ में हम लोग साथ में जाएंगे और एक नई फिल्म बनाएंगे, अच्छा करेंगे, इसके अलावा काम करते रहेंगे अगर हमारे साथ संजय पटियाला जी हैं तो। प्रिक्वेल है मुन्ना मवाली 2, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मुन्ना मवाली बनना चाहिए क्योंकि हम नाम ही, ये टाइटल ही अपने आप में बहुत ही एकदम खतरनाक टाइटल है। मतलब नाम सुन के आदमी को एक पूरा इसमें एडवेंचर और एक मनोरंजन की झलक नहीं मिलती है कि पूरा फुल टू एंटरटेनमेंट। आप जब टिकट लेकर थिएटर में जाते हो तो क्या चाहते हो? आपको एंटरटेनमेंट, आप पूरी दुनिया को भूल जाते हो। तो ये फिल्म में वो सब कुछ है जो कि आपको चाहिए, एक जनता को, ऑडियंस को चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं रजनीश पाठक, आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। और किरदार के बारे में बताइए सर, किरदार क्या और कितने उत्साहित हैं इस किरदार को लेकर? किरदार हमारा बहुत बेहतरीन है और जिसमें मनोज टाइगर जी मेन विलन कर रहे हैं और रघु का कैरेक्टर है, उनका साला मैं हूँ और मेरा मटरू का कैरेक्टर है। बहुत बेहतरीन फिल्म है और मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर पप्पू पांडे जी को, धन्यवाद बोलना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर रवि सिन्हा जी को। और बहुत बेहतरीन फिल्म है, देखने में दर्शकों को बहुत मज़ा आएगा, एक्शन कॉमेडी हर चीज़ से भरपूर है। और हमारा सौभाग्य है कि मनोज टाइगर जी के साथ ही मेरी कंटिन्यू इस साल की तीसरी फिल्म है, जिसमें इसके पहले भी हमने एक फिल्म किया गिरफ्तार, उसमें हमारे बड़े भाई बने हैं और मैं इनका छोटा भाई, हमारा सौभाग्य है। और कंटिन्यू रवि जी के भी साथ ही मेरी 5वीं 6वीं फिल्म है और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जो मनोज भैया जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ एक अच्छा अवसर मिलता है और पूरा निभाने का कोशिश करता हूँ। और इसके अलावा कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं सर? अच्छा, इसके पहले हमारा जो रिलीज हुई फिल्म है अदालत, जिसमें निरहुआ जी, वो उसके बाद पहली फिल्म हमारी थी हमारा माटी में दम्बा, दिल जले, काफ़ी मूवी है। अभी रिलीज हुआ रंगीला, जिसमें भी विलन का ही कैरेक्टर किया हूँ, और शादी करके फंस गया यार, डायरेक्टेड बाय अजय झा जी हैं। अभी कंटिन्यू आने वाली फिल्में 4-5 मूवी हैं, गिरफ्तार और मुन्ना मवाली का चल ही रहा है, कहानी किस्मत का जिसमें बाली जी डायरेक्टर हैं, और मैं नागिन तू सफेरा जिसमें अरविंद चौबे जी डायरेक्टर हैं। तो काफ़ी मूवी है, हिंदी मूवी भी 1-2 चल रहा है, बस कर्म में लगे हैं। और बाकी धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे भोजपुरी के सुपर डुपर हिट PR और सबके दिल में छाने वाले हमारे संजय भूषण पटियाला जी को, उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। संजय भूषण जी बहुत फिल्म बना दिए हैं जी, और बहुत फिल्म का PR हैं वो। हाँ, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनके बारे में जो कहना था कह दिए, लेकिन फिर भी एक बार वापस मैं उनके बारे में ये बोलना चाहूँगा कि हर भोजपुरी समाज देखो तो हाँ उनका ही नाम आता है। हाँ, सब ऐसा नाम है कि जो भोजपुरी फिल्म में संजय भूषण का नाम आता है। जी जी, ये तो सत्य है, कितनी भी बड़ी फिल्म हो। हाँ, उनका ही नाम आता है जी, ये तो सत्य है। और इसी बात पे हमें एक लाइन याद आ गया, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये तो हमारे संजय भूषण पटियाला जी भोजपुरी के शान हैं और स्वाभिमान है, हम लोगों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको भी धन्यवाद, सबको प्रणाम, रजनीश पाठक का। ऐसे ही प्यार देते रहिए और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा, प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ दोनों हाथ जोड़ के। मेरा नाम कीर्ति पाठक और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मेरा गाँव ससुराम, और मुन्ना मवाली में काम कर रही हूँ, अभी शूट पे हूँ, शूट चल रहा है। बहुत ही अच्छा मूवी है और बहुत ही प्यारा काम एक्शन से भरी हुई है, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। हाँ, ये मेरी दूसरी मूवी है और फर्स्ट मूवी वंदे मातरम फिलहाल
शूटिंग फाइनल हो गया है, रिलीज होने वाला है, बहुत जल्दी रिलीज होगा। और दूसरी मूवी ये मेरी है मुन्ना मवाली। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है भोजपुरी मूवी में काम करने में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम जानना चाहेंगे भोजपुरी में आप किसके साथ काम करना चाहती हैं जो आपके सुपरस्टार हो? भोजपुरी में मैं सबसे ज़्यादा, मुझे पवन सिंह बहुत ही पसंद है, और सब आर्टिस्टों लोग और सब पब्लिक लोग को भी बहुत पसंद है पवन जी, और मुझे भी बहुत ही पसंद है पवन जी एंड खेसारी जी और दिनेश लाल जी, बहुत ही मुझे पसंद है। और अभी तो साथ में काम कर रहे हैं प्रमोद जी, और ये भी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। इसमें मैं प्रमोद जी की सिस्टर बनी हूँ और बहुत ही अच्छा किरदार है, वो मेरे भैया बने हैं, और साथ में उनके साथ निभा रही है प्रमोद जी की अंजना जी और पूनम जी हैं। थैंक यू।